में तेल। डाले खड़े मसाले, लौंग, ये तेज पत्ता, राई पत्ता और करी वाला मसाला, फूल, कड़ा मसाला, चंदन, डाला हल्का सा जीरा, ये टेस्ट के लिए अपने तेज पत्ते, डाला लगता है अदरक का पेस्ट, उसको फ्राई करने देना पड़ता है थोड़ा अच्छे से ताकि अच्छे से भून जाए, फ्राई हो जाए। प्याज का पेस्ट, इसमें ये धनिया है, पीसा धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला पीसा हुआ, बिरयानी मसाला, नमक टाटा का यूज़ करते हैं हम लोगों, और ये पूरा मसाला इसमें करने के बाद बॉइल फ्राई होगा। भैया अभी अपना मसाला फ्राई हो चुका है, डालू चिकन, ये डाला अपना चिकन, ये 3 किलो चिकन में बिरयानी बन गई अभी। अभी कोई डाल दूँ अपना, ये डाला टमाटर का पेस्ट, देसी टमाटर का पेस्ट है ये पूरा, इसको पूरा अच्छे से मिला के मिक्स करना पड़ता है। डालते हैं, मैं देसी डालता दम बिरयानी में, पुदीना का इस्तेमाल देसी, पूरी हो चुका है, थोड़ा टमाटर का पेस्ट भून पक चुका है, अब थोड़ा सा पानी डाल के कि ग्रेवी बनाना पड़ेगी हल्की। ये मसाले का वही मसालों का मिक्स पानी डाल रहा हूँ उसमें मैं, थोड़ा ढक दिया जाए 10 मिनट। बॉईल हो चुका है अच्छे से, ये अलग अब जो इसके तैयार हो चुके हैं, अब इसको अपन चिकन डालेंगे। निकाल देते ना क्या यार, ये मैं उसको गरम गरम को रखूंगा इसमें, ये ला लेना यार, चलो बट ये केसर दूध डाल रहे, ये डालो तुम्हारा, ये देसी घी डाल रहे हैं, घर का बना हुआ शुद्ध घी, ये दम लगाने के लिए रखा जाएगा तवा, अब इसके ऊपर ये 25 मिनट का दम लगेगा बिरयानी। 25 मिनट हो चुके, अपनी बिरयानी तैयार हो चुकी है, दम लग चुका है कोयले से, और अब ये कटोरी निकाली जाएगी दम बिरयानी। प्याज रख दिया जा रहा है, ये नींबू, ये स्पेशली ग्रेवी डालने के लिए, स्पाइसी करने के लिए, किसी को स्पाइसी लगे तो उसके लिए स्पेशली ग्रेवी है।